ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी पे जिस तरह से कवर लगा हुआ है, ये कवर पूरा पिघल गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये भयानक आग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भागी विडोज के इलाके से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक डाइंग में, जो महाराष्ट्र डाइंग है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिसमें भयानक एक आग लगी है। आग की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। बताया जा रहा है कि अंदर एक कुछ धमाका सा हुआ, जिसके वजह से आसपास के इलाकों में जो है पूरा जो जितना आग थी वो वहाँ पे चले गए। आप मेरे कैमरामैन को कहूँ जरा इधर दिखाने के लिए, ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी पे जिस तरह से कवर लगा हुआ है, ये कवर पूरा पिघल गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये भयानक आग होगी। फिलहाल आग को अभी तक देखा जा रहा है कि काबू पा लिया गया है, और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां जो है यहाँ पर अभी फिलहाल आ चुकी है, और निजामपुरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ आला अधिकारी वो लोग भी यहाँ पर घटनास्थल पर आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर आग को काबू पा लिया गया है, मगर आप ये देख सकते हैं कि ये जो साइजिन है, डाइंग जो है, ये एक रेसिडेंशियल इलाकों के बीच में है। आप देख सकते हैं आजू बाजू पूरा रहने वाले हैं, और ये आग की जो लपटें हैं ये कई घरों में भी गई थी। हालांकि घर में किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, मगर एक बड़ा सवाल ये उठ कर आता है कि इस घने आबादी इलाके में ये डाइंग साइजिन यहाँ पर क्या कर रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लास्ट हुआ यहाँ पर, किसी तरह का ब्लास्ट था ये, जिसके वजह से जो आग थी इतराफ के इलाकों में काफ़ी दूर तक यहाँ पर देखने को मिला गया। अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि आग में फिलहाल काबू पा लिया गया है। और आपको मैं फिर बता दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी की हालत किस तरह से है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की भयानक आग होगी। अफजल भाई, क्या हुआ था जब ये अचानक से आई इतनी बड़ी भयानक आग, उस वक्त क्या हुआ था? हम लोग जब आए यहाँ पर तो थोड़ी बहुत अंगार लगी थी यहाँ नीचे साइड में, तो हम लोग एक 5 मिनट खड़े हुए, उसके बाद में ये बॉयलर फटा। अच्छा। तो जिनकी साइजिन है ना, वो नीचे यहीं पे इधर से उधर मतलब अपनी गाड़ियाँ वगैरह हटा रहे थे, तो अचानक ये बॉयलर फटने की वजह से ना इधर पे अंदर भी थोड़ा बहुत आग लगी थी। अच्छा। हाँ, तो हमने वीडियो में देखा कि ऊपर तक भी आग गई थी। हाँ, ऊपर ये इधर पे ये खाली कोने तक थी, क्योंकि बॉयलर यहाँ तक था ना, वहीं तक खाली अंगार पकड़ी, वो ऊपर से फिर जितने लोग थे सबको खाली करवा दिए, ये भी खाली करवा दिए। हाँ, बस यही सिचुएशन। जान आने कुछ नहीं, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जितनी गाड़ी थी यहाँ पे सब गाड़ी हटा लिए छोटू भाई, बहुत लोग पूरे एरिया वाले कोऑपरेट किए यहाँ पे पहली बार। और पहली बात तो हुआ, किस तरह का धमाका था, आवाज कुछ आई थी? एक मिसाइल की तरह था। अच्छा। हाँ, इतना जोरदार था कि अगर थोड़ा और जोरदार होता शायद बिल्डिंग भी बैठ जाती। सडनली अंधेरा हो गया था, कानून सुन हो गया था एकदम। हाँ, जो अंदर मजदूर काम कर रहे थे उनको सब उसकी अपडेट नहीं है सर, बिल्कुल अपडेट नहीं है। वो आप लोग को उसी से ही पूछना पड़ेगा ऑनर से कि वहाँ कितने मजदूर थे, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं 2 से 4 ही लोग रहते हैं वहाँ पे, जो लकड़ी वगैरह अंदर डालते हैं, डंपिंग करते हैं, बस इससे ज्यादा और वहाँ कोई बंदा रहता। और उसी वक्त गई थी कि नहीं? नहीं, जगह पे जैसी धमाका हुआ वैसी हम लोग को लगा कि ये तार जो है नीचे आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पब्लिक बहुत ही नहीं, तो जान का बहुत नुकसान हो सकता था। फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट आई सर, ये तो हमेशा का है कि हमारे एरिया में इससे पहले पीछे साइजिन में लगी थी तो 1.5-2 घंटा लेट आई थी, फिर उसके बाद में हमारे मोहल्ले में मौलाना आजाद नगर और ये तुम्हारा एक लाख गली के पीछे लगी थी, उधर पे भी फायर ब्रिगेड हमेशा लेट आई। हाँ, ये 3 बार हो चुका है सर, और हमेशा साइजिन में ही अंगार लगती है, इसकी पूरी धूल वगैरह सब यहाँ पर हमारी गाड़ियों पर आती है, एरिया में भी आती है, लोगों को तकलीफ है। लेकिन अभी क्या है, सब एक साथ हमेशा शुरू से बड़े हुए बड़े, तो अभी कोई कुछ बोलता नहीं है, समझेगा? जो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे थे उनकी सुनवाई नहीं है। अभी क्या यहाँ पे जब धमाका हुआ तो माहौल कैसा था एकदम? माहौल तो बहुत ज्यादा खराब था, अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लोग निकल के भागने लगे, पूरा बिल्डिंग खाली कराना पड़ा, पूरी बिल्डिंग खाली कराए, वो बिल्डिंग खाली कराए। अभी तो हमको रात की बात दिख रही है आग बुझ गई। हाँ, अभी तो बुझ गई। देखा आपने किस तरह से अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जो भी आगे की अपडेट रहेगी हम इसी तरह आपको देते रहेंगे। मैं एक पत्रकार हूँ, मैडम इधर। फिर दो अपार्टमेंट में इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, और ये बॉयलर बंद होना चाहिए, जैसे पीछे का बंद हो गया ये भी बंद होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ के रहने वाले रहवासियों को बहुत तकलीफ है, हर बार पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, सब बच्चे छोटे छोटे लेके बाहर भागे। मैडम, जब ये ब्लास्ट हुआ हमें फोन आया तो हमने देखा कि ये पूरा रेसिडेंशियल इलाके के बीच में साइजिंग। हाँ, बीच में साइजिंग। इस चीज को लेके किसी ने यहाँ के इलाकों वालों ने कुछ आगे? हाँ, पहले भी लोगों ने बहुत अर्जियां दे चुके हैं, अपना ये फाजिल भाई ने भी बहुत इसके पीछे वो अर्जी कंप्लेन किया हुआ, मगर ये बंद नहीं हो रही, बंद होनी चाहिए। अच्छा, ठीक।
अब आपको भी हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे असिस्टेंट नर्सिंग यानी GDA, GNM, ANM, MLT, DMLT, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट जैसे 50 से ज्यादा कोर्सेज। अगर आप भी एक सक्सेसफुल सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें।